तो ललित जी ये बताइए कि आपके गांव में जो ये हाई स्कूल है इसकी क्या कंडीशन है बिल्डिंग की और क्या शिकायत है आप लोगों को इससे? देखिए जी, इस बिल्डिंग की अगर जहां तक हम बात करें तो ये बिल्डिंग बहुत ही जर्जर हालत में पहुंच चुकी है। यहां पर पढ़ने वाले सभी 800-900 के आसपास जो भी स्ट्रेंथ है इस स्कूल के बच्चों की, उनकी जिंदगी हर दिन हर पल दांव पर लगी रहती है क्योंकि ये किसी भी समय ऊपर से कुछ भी हादसे। कितने दिनों पहले इस बिल्डिंग का उद्घाटन हुआ था और क्या खराबी है इस बिल्डिंग में आप बताइए? इस बिल्डिंग को शिफ्ट करे लगभग 9-10 महीने हुए हैं और ये बिल्डिंग आज ऐसी हालत में आ चुकी है 9-10 महीने के अंदर ही कि ये कभी भी किसी भी टाइम बड़े हादसे को एक रूप दे सकती है। तो कहीं ना कहीं कंस्ट्रक्शन में बड़े पैमाने पे भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं इसमें? बिल्कुल जी, इसमें जो कंस्ट्रक्शन जो किया गया है वो बिल्कुल ही घटिया क्वालिटी का मटेरियल यूज हुआ है जिसकी वजह से ये सब आज चीज हो रही है और जो कि एक शिक्षा और इस देश के भविष्य के बच्चों के साथ बहुत ही बड़ा खिलवाड़ माना जा सकता है। दिल्ली सरकार के मंत्री मनीष सिसोदिया ने पिछले महीने ये आदेश दिए थे कि एक इंक्वायरी बिठाई जाए, 15 दिन के अंदर रिपोर्ट दिए जाए। आप लोग लगातार इस मुद्दे को उठाते रहे हैं, क्या जानकारी है आपकी, कहाँ तक वो इंक्वायरी पहुंची और रिपोर्ट कहाँ तक पहुंची है? जहाँ तक इंक्वायरी की बात है, हमारे एरिया की जो SDM जी हैं निकिता पवार जी, वो स्कूल में उन्होंने विजिट किया था और उन्होंने रिपोर्ट भी ऊपर सबमिट की है। अब देखना ये होगा कि वे उस रिपोर्ट पर कहां तक क्या किया गया है या नहीं किया। तो एक महीने से ऊपर हो गए हैं लगभग इस चीज को, अभी तक कोई कार्रवाई आपको लगी ऐसा कि हुआ है कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर या फिर कोई बच्चों की सुरक्षा के लिए कोई व्यवस्था यहाँ पे की गई हो? नहीं, अभी तक तो ऐसा कुछ हमें लग नहीं रहा क्योंकि सब कुछ ठंडे बस्ते में डालने वाली बात लग रही है अभी तक तो, क्योंकि कोई स्ट्रिक्ट एक्शन जो लेना चाहिए था इतने बड़े ऑफेंस के लिए वो अभी तक कुछ भी नहीं लिया गया। इस स्कूल के बारे में आपने भी मुद्दा उठाया है और आपका कहना है कि आपने फैक्स और लेटर भी दिए थे अथॉरिटी में, किनके पास आपने चिट्ठी लिखी थी इस स्कूल के बारे में और क्या हुआ था? पहले सर 18 फरवरी को मैंने LG साहब के पास फैक्स पहुंचाया था और तभी उनके जो है कंफर्म कराया था कि बिल्डिंग जो डैमेज है। पहले शिफ्ट करने से पहले ही प्रिंसिपल साहब ने जो है ना अपनी 10 शर्तें बता दी थी इनको कि ये छत खराब है, मटेरियल खराब है, तो उनका तबादला कर दिया गया। पता नहीं वो किस वजह से हुआ, फिर दूसरे प्रिंसिपल साहब आए, उन्होंने इन स्कूल में जो है ना 9 जनवरी को शिफ्ट कर लिया। अब बिल्डिंग को शिफ्ट हुए 10 महीने हो गए और जो छत से पॉइंट पकता वो सारा नीचे आ जाता है। बरसात के मौसम में क्या हालत होती है यहाँ पे जरा ये सर? बच्चे छतरी ले गए यहाँ पर पढ़ते हैं और जो है ना बहुत बुरा हाल है, सारा पानी छत से नीचे आ जाता है। आपने इसकी शिकायत भी लगाई है कई जगह पे, आपने लेटर लिखे, क्या आपको कभी कोई जवाब आया है या कोई एक्शन हुआ आज तक? एक्शन मनीष सिसोदिया जी को जो है मैंने दिया था एप्लीकेशन, उन्होंने जो एक जांच बैठाई थी, जो उनके देख जो SDM साहब थी नीतिका पवार वे यहाँ पे आई थी, उन्होंने अपनी रिपोर्ट जो है सिसोदिया जी को दे दी। उस जांच का असर अभी तक आपको कोई दिखा, कोई कार्रवाई हुई? नहीं, हम उनकी वो ऐसे तो अभी तक कुछ नहीं हुआ। वो हम केजरीवाल जी के पास भी गए थे और उन्होंने टीम भेजी थी, 25 आदमी आए थे विजिलेंस के, वो यहाँ से जो सैंपल ले गए। अभी तक आपकी जानकारी में है कि इसके कॉन्ट्रैक्टर के खिलाफ कोई एक्शन हुआ हो या फिर स्कूल की स्थिति इतनी जर्जर है तो बच्चों की सुरक्षा के लिए कोई कदम उठाए गए हो किसी और बिल्डिंग में शिफ्ट करने की बात? अभी तक ऐसा कोई कदम नहीं उठाया गया। क्या होना चाहिए आपके मुताबिक, आप इस गांव के रहने वाले हैं, आपके बच्चे भी यहां पे आके पढ़ेंगे, तो क्या होना चाहिए यहां पे? सर यहां पे 25-30 कमरे अलग बनाए गए जाने चाहिए बिल्डिंग के, और जो ये बिल्डिंग है दोबारा पाड़ के जो है इसको बनाना चाहिए। पढ़ाई लिखाई की सर ज्यादा अच्छी व्यवस्था नहीं है क्योंकि जो स्टाफ है वो तकरीबन दूर से आता है और पंक्चुअल भी नहीं आते हैं टाइम पे, और हमने उनके खिलाफ प्रिंसिपल साहब को कंप्लेंट भी की है कि थोड़ा इनको टाइट किया जाए पढ़ाई के लिए। और खेलने के लिए सर बच्चों के लिए ग्राउंड नहीं है क्योंकि जो पहले स्कूल था वो था 23 बीघे में और जो ये स्कूल है ये 8 बीघे में है, तो ग्राउंड बिल्कुल है ही नहीं मतलब बच्चों के लिए। तो कहीं ना कहीं जगह की भी कमी हो गई, 23 बीघे और 8 बीघे में बहुत बड़ा फर्क होता है। हाँ, बहुत ज्यादा डिफरेंस आ गया सर इसमें। और अगर ये बिल्डिंग इतनी ही खराब स्थिति में है तो आप लोग क्या कहना चाहते हैं कि क्या दूसरी बिल्डिंग की व्यवस्था की जाए, पुराने जगह पे ही वापस भेजा जाए, या तो सर इसी जगह पे सर अच्छी तरह से बनाया जाए और ठेकेदार के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, जिन्होंने इस बिल्डिंग को बनाया गया उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए। और जगह की समस्या के लिए आप क्या कहना चाहते हैं? की समस्या के लिए सर हम ये कहना चाहते हैं जो वो पीछे वाली जगह है उसको सरकार को हैंड ओवर करके और इसके पीछे जो DDA की जगह है उसमें एडजस्ट कर दिया जाए सर। ये मुद्दा आप लोग काफी समय से उठाते रहे हैं। हाँ सर, अभी तक आपको कितनी कार्रवाई दिखी और क्या रहा है अभी तक? सर जैसे यहाँ पे दौरे पे तो आए हैं, चेक करके गए, लेकिन हमें अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं मिली है, कोई एक्शन की हमें ये नहीं मिला कि एक्शन हो चुका है। अच्छा, टीमें आती हैं, देख जाती हैं, सैंपल लेके गए हैं, जैसे अभी हम केजरीवाल सर के पास भी गए थे तो सैंपल तो उठा के गए हैं, इसका सैंपल ले गए हैं, लेकिन फिलहाल कोई हमें रिपोर्ट नहीं मिली है कि ये कार्रवाई हुई है। तो कहीं ना कहीं आप लोग ग्रामीण होने के नाते एक कंक्रीट एक्शन चाहते हैं इसके लिए,
हाँ सर, ये कंक्रीट एक्शन चाहते हैं हम, कुछ ना कुछ सख्त एक्शन हो इसके खिलाफ लीगल, और ताकि ये पता लगे, जनता में मैसेज जाए कि ये खराब जो बिल्डिंग बनाते हैं तो इन्हें खराब सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। ठीक है।